नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो बिहार पुलिस के लिए जीके के लिए आपके स्पेशल मैराथन क्लास चालू करने जा रहे हैं, उसका आज पहला क्लास होगा। और ये क्लास आपके सब यूट्यूबर से अलग होगा, सभी टीचरों से अलग होगा। क्यों होगा कि सभी लोग आपके सामने मैराथन लाते हैं, 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन का, पूरा जीके या 200 क्वेश्चन का जीके का मैराथन लेकर आएंगे, एक ही दिन में कंप्लीट कराकर चले जाएंगे। वैसा हम नहीं करने जा रहे हैं, हम आपके सामने 800 क्वेश्चन का मैराथन लाने जा रहे हैं, जिसमें से डेली आपका 35 से 40, समझिए तो, क्वेश्चन का मैराथन आएगा। और 35 से 40 क्वेश्चन करके आपको जीके का 18 से 20 दिन मैराथन मिलने वाला है। और इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि हर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और 800 क्वेश्चन हो जाएगा। और 40x40 के पार्ट में इस मिनी मैराथन को अगर आप करते हैं तो आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा, केवल पढ़ना नहीं है, कम से कम हर हाल में हर चीज़ को याद भी करना है। और ये मैराथन आपके पास जो आ रहा है, ये टॉपिक वाइज आ रहा है, हर टॉपिक से 20 क्लास जो जीके का होगा उसमें लगभग 20 टॉपिक को कवर करके आपके सामने पेश किया जाएगा। इसलिए आप सभी मेरे साथ बने रहिए इस मैराथन में, आपका रिजल्ट यहीं से होगा और मैराथन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाला है। इसलिए जो भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पहला काम वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है कि ये मिनी मैराथन कैसा पसंद पड़ेगा आपको, उसके बाद अपने दोस्तों के पास शेयर करके मेरा सपोर्ट कीजिए। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, एक टाइम और आपके लिए क्लास लेकर आएंगे जिसमें हिंदी, जीके, जीएस मतलब साइंस भी, तीनों का मिक्स 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसका भी अच्छा से सपोर्ट करना है। लेकिन पहले इस मैराथन को आप लोगों को सफल बनाना है। और नए लोग का दायित्व यह बनता है कि चैनल से जरूर जुड़ जाइए। आप मेरे साथ 10-10 मिनट का मैराथन कीजिएगा ना, तो 4-4 घंटा के पढ़ाई से भी भारी पड़ने वाला है। आज के मैराथन क्लास में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जितना संगठन है, मुख्यालय है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपका जीके का फर्स्ट मैराथन क्लास मेरे तरफ से टॉपिक वाइज होने जा रहा है सबसे अलग अंदाज में। पहला है कि विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय जिनेवा में है आपका। इसकी स्थापना जो है आपका 1 जनवरी 1995 ईस्वी को होती है और इसमें 164 देश टोटल इसका सदस्य है। क्या क्वेश्चन है देखिए, जो हैशटैग मारा गया है हरा से दिखाई दे रहा है वो आपका टॉपिक है, ठीक, और रेड से जो आपका दिखाई दे रहा है वो आपका मुख्यालय है। लिखा है कि विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय जिनेवा में है, स्थापना इसका 1 जनवरी 1995 का होता है, इसमें 164 देश भाग लेता है। दूसरा है यूरोपीय संघ EU, ठीक, EU लिखा है, यूरोपीय यूनियन, इसका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 ईस्वी को होती है। सबसे अलग अंदाज में पढ़कर बिहार पुलिस के मैराथन में आग लगा देना है कि ऐसा मैराथन कोई नहीं दे आपको। अगला है कि नाटो, नाटो में टोटल 30 देश है। नाटो का फुल फॉर्म जो होता है, जो भी पूछा जाता है उसको हम ला दिए हैं, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। इसका मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को की जाती है। देखिए अभी जो अमेरिका और यूक्रेन के बीच, आप रूस और यूक्रेन के बीच जो आपका युद्ध हो रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच, ये नाटो को लेकर ही हो रहा है। यूक्रेन बोल रहा था कि हम नाटो का सदस्य बनेंगे, अमेरिका बोल रहा था कि हम इसे सदस्य बनाएंगे, रूस बोल रहा था कि हम इसका सदस्य नहीं बनने देंगे। जैसे नहीं होता है कि आपके विकास को देखकर पड़ोसियों का जलन होता है, ठीक उसी तरह से नाटो का भी मामला है। अगला है कि एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास जो आपका बैंक है, इसका मुख्यालय मनीला में है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को की जाती है। इस बैंक, इसका, ठीक, इस बैंक का मुख्य कार्य यही था, एशियाई विकास बैंक, कि जितने भी देश हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको लोन देकर उस देश के विकास में योगदान करना।
अगला है कि आसियाना, बार बार पूछा जाता है कि आसियाना का मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता है। जकार्ता कहाँ पड़ता है आपका, तो इंडोनेशिया में पड़ता है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को की जाती है। ठीक, अब बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है आपका सार्क। ठीक, सबसे पहले पूछता है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होगा, तो सार्क का जो आपका फुल फॉर्म होगा द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक, सार्क का ये आपका फुल फॉर्म हुआ। लास्ट में देंगे आपको समय स्क्रीनशॉट के लिए, एकदम निफिक्र होकर 10-10 मिनट का मैराथन टॉपिक वाइज करते चलना है। 18 से 20 क्लास में ऐसे आप मजबूत हो जाइएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। और आप हिंदी का भी करते रहना है, हिंदी आपको 3 बजे करा रहे हैं, सुबह में साइंस करना है, सुबह में साइंस आपका 6:30 बजे करा रहे हैं। अगला है कि सार्क का फुल फॉर्म बता दिए। सार्क का मुख्यालय क्या है, काठमांडू में है। काठमांडू आपका कहाँ पर पड़ता है, बिहार के बगल में नेपाल में पड़ता है। इसकी स्थापना 7 या 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को की जाती है। इसकी स्थापना कब होती है, 7 या 8 दिसंबर 1985 ईस्वी। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू में है, जो नेपाल में आपका पड़ता है। इसका देश का कौन कौन सा सदस्य है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ला दिए कि भारत का जो पड़ोसी देश है सब यही इसका सदस्य है। भारत है, भारत का बाल बच्चा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भारत का साथी नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीप है और अफगानिस्तान है, जो आपका सार्क का सदस्य है। अगला है कि प्रथम शिखर सम्मेलन, ये जो सार्क का है, जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है सब सार्क का है। देखिए, प्रथम शिखर सम्मेलन 1885 में होता है। कहाँ पर होता है, ढाका में होता है। ढाका आपका कहाँ है, बांग्लादेश में स्थित है। अगला है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूट्रेंट के द्वारा किया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूट्रेंट के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है, जो कहाँ पर पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला टॉपिक आपका क्या है, राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल में टोटल कितने देश हैं आपके, राष्ट्रमंडल में आपके 54 तो टोटल देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय एकदम लंदन वाले ब्रिज पर है। कहाँ है, लंदन में है, याद रखिएगा, ब्रिज नहीं, लंदन में है। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की जाती है। एकदम इसी तरह पढ़ना है, ताकि ये नहीं कि एक बार में 300 क्वेश्चन मिल जाए, एको को याद नहीं हो। एकदम 35 से 40-50 क्वेश्चन डेली मैराथन में मिले, लेकिन वो क्लास आपको डेली मिले, उसे ही मैराथन अच्छा समझा जाएगा। अगला है कि ब्रिक्स, और इस मैराथन की खासियत ये है कि ये मैराथन आपको टॉपिक वाइज मिल रहा है, ऐसा मैराथन कहीं नहीं मिलेगा। ब्रिक्स, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, शंघाई चीन में है। इसकी स्थापना कब की जाती है, 2009 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है, देखिए इसके नाम से ही इसका काम स्पष्ट है। बी से ब्राजील होगा, आर से रशिया होगा, आई से इंडिया होगा, सी से चाइना होगा, एस से साउथ अफ्रीका होगा। वही चीज लिखे हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ब्रिक्स, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका होगा आपका। अब आते हैं G20 के बारे में। G20 2023 में जो हुआ, उसकी अध्यक्षता कौन सा देश किया, तो उसकी अध्यक्षता आपका मेरा देश महान भारत के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना कब की जाती है, 1999 ईस्वी में की जाती है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि ये जो है लगभग विश्व के 85% इकोनॉमिकल कंट्री वाला देश है, मतलब 85% देश पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो G20 में शामिल है, उन्हीं सभी देशों के पास शामिल है। इसमें एक देश आपका नल्ला नहीं है, जिसका नाम है पाकिस्तान, G20 का सदस्य नहीं है। G20 का आपका मुख्यालय कहीं पर नहीं है। G20 का बैठक प्रत्येक साल होता है। भारत में पहली बार G20 का बैठक किया गया, इसका कहीं पर मुख्यालय नहीं है। यह याद रखिएगा कि G20 का मुख्यालय कहीं पर नहीं है।
अगला है, ये 2023 का थीम क्या था, आपसे थीम भी पूछ सकता है। एक भविष्य, इस 2023 के G20 बैठक का थीम यही था कि एक भविष्य। जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो आपका थीम क्या है, केवल रिटर्न एग्जाम पास करना नहीं थीम है, आपका थीम ये है कि हमें यहाँ पर वर्दी का स्टिकर लग जाना चाहिए, यही थीम है। ठीक, हमको लगता है कि इस तरह से मैराथन आपको याद भी होगा, समझ में भी आएगा, पसंद भी पड़ेगा टॉपिक वाइज। तो जल्द से स्क्रीनशॉट लेकर और आपको कमेंट करके बताना है कि मैराथन क्लास कैसा पसंद पड़ा, उसके बाद आपको क्या कर रहे हैं कि इसी सिस्टम से चलाते रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तथा टेलीग्राम का अपना लिंक कमेंट में दिया, वहाँ से टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।